Mr. The man himself, ladies and gentlemen, Yogesh Adhikari! The first Indian to ever do that, the third Indian to cover the entire Middle East territories and zones. Sir, kya smile hai aapka? Yaar smile pe hi main fida hu. Baaki ka baad mein baat kar lenge. But the man is also a content creator. He's a mountaineer. He's very passionate about a lot of things. But one thing that he's most passionate about is riding his bike. And today we are here to ask him all his experiences and share all those experiences with you. Are you guys ready for this conversation right now? Yeah! I can't hear you. I'm a little hard of hearing. A little more louder, louder, louder! Yogesh bhai, welcome to India Bike Week. Thank you. This is our 10th year, sir. This is your first time at India Bike Week. Yeah. And it's a great, great pleasure for us to invite you here and also hear all your accomplishments over the years. So sir, tumhi pan basa, sir, tumhi pan basa, please. Okay, this is a little small for me to fit in, but I'll try my level best to do so. So Yogesh dada, mi tumhala ekach first time, I have to ask you, tumcha experience kay hota Mumbai to London, London to Mumbai, sir? In the most simplest words, mhanje tumhala je pan bolaycha bola sir. Mumbai to London, London to Mumbai. Hey, मराठी मध्ये हिंदी मध्ये तुम्हाला जे भाषा बोलायचा बोला सर द स्टेज इज योर्स एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था और फैंटास्टिक एक्सपीरियंस आप जस्ट इमेजिन करो आप लद्दाख जाते हो कितना खुश होते हो तो मैं कितना खुश हूँ मुंबई से मैं लंदन चला गया यहाँ से 200 दूर है और वापस आया लंदन से बाइक लेके और पता नहीं मुझे खुश हुए जैसे जैसे इन्होंने बताया मैं यूरोप में था और एक अंधाधुंध डिसीजन लिया मैं बाइक लेके वापस मुंबई जाऊंगा सेम वे से अगर कुछ नई कंट्री करके जाऊंगा जिसके लिए मेरे पास कुछ रीजन नहीं था मेरे पास कुछ प्रिपरेशन नहीं था और मैंने डिसाइड किया था ये दिन भर राइड करेंगे रात भर प्रिपरेशन करेंगे स्टडी करेंगे और लेके जाएंगे और मैंने कर दिया और बहुत मजा आया मैं बहुत हैप्पी हूँ थैंक यू वेरी मच सर 25,000 किलोमीटर तुमका कन्वर्ट झाले 29,000 किलोमीटर तुमचा ते जे एक्सपीरियंस होता फ्रॉम दैट दोज एक्स्ट्रा 4,000 किलोमीटर आम्ही 50 किलोमीटर पण केलं की आम्ही कंपल सर तुम्ही 2,500 किलोमीटर यू कन्वर्टेड इट इनटू 29,000 किलोमीटर सर सो दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ दोज 4,000 एक्स्ट्रा किलोमीटर दॅट यू कवर्ड मला एक तरी स्टोरी बोला सर तुमचा एक मला स्टोरी पाहिजे तुमचा ब्रेकडाऊन केव्हा झालेला व्हॉट वॉज द सिच्युएशन हाऊ डीड यू हेल्प युअर सेल्फ और हू हेल्प यू इन विच कंट्री डिड दॅट हॅपन हेल्प तो किसी ने किया नहीं वैसे मतलब कोई जरूरत पड़ी नहीं मेरे पास प्रिपरेशन इतना था मेरा स्टडी था मेरे पास स्कूल किट था स्पेयर पार्ट था एक बार मेरा क्लच वायर ब्रेक हो चुकी थी रात के 10 बजे बेल्जियम में और टेम्परेचर था 6 और आप इमेजिन करो फुल तेज हवा चल रही है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऑटम से विंटर जा रहा है और समर रोड पे था और क्लच वायर ब्रेक हो चुकी थी रात के 10 बजे थे मुझे जर्मनी एंट्री करना था बट मेरे प्रिपरेशन बहुत बढ़िया थी मेरे पास एक्स्ट्रा क्लच वायर ऑलरेडी फिटेड थी तो बस 10 मिनट में काम हो गया मेरा बट एक मेजर इंसिडेंट था वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके पहले एक बार मैंने 26 आवर राइड किया था 26 आवर कंटिन्यू और उसमें 1200 किलोमीटर कवर किया था ग्रीस में और टेम्परेचर बहुत था और मेरा हेड गैस्केट जल गया है बाइक का इंजन ऑयल लीक होने लगा और उसके लिए मुझे यूके में 1,00,000 रुपीज का कोटेशन दिया था जो पाउंड में आता है 1,000 पाउंड्स बस हेड गैस्केट चेंज करने का तो मैंने डिसीजन लिया भाई 1,00,000 रुपये इंजन लीक के लिए मैंने उससे डिसाइड किया उसके बाद मैंने 2 लीटर का पैक साथ में रख दिया मैं टॉपअप करता था हर 2 दिन के बाद ऑयल लेवल चेंज कर चेक करनी है और 100 ml या 200 ml आता है टिल टुडे अभी भी मेरा वो इंजन लीक चल रहा है और मैं डालने ज़्यादा रॉयल एनफील्ड नियर मी 5,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई लोकेशन वन इज फ्रॉम यूके एंड अनदर इज इंडिया और कभी कभी दुबई का दिखा रहा तो ये ऐसी स्टोरी बहुत चल रही थी This has been an experience. It's good to hear, but the feeling of what the man has actually felt, nobody can feel that. It's only him who can feel that feeling. Sir, what are the questions that you have for this lovely gentleman, sir? Lucky, mala ase vichar ase hoge ki, tumhi to ekdam young vatta hai.
तर या वयामध्ये स्वतःच्या खिशातनं एवढे पैसे खर्च करून हे तुमच्या डोक्यात आलंच असं पहिली गोष्ट. हा माझा पहिला प्रश्न आहे तुम्हाला. ओके, तुमचा सर्वांना हाच प्रश्न पडलेला आहे की बजेट स्पॉन्सर फंड कसा आणि फिरण्यातले पैसे कुठून येतात. आपण आपल्या डेली लाईफसाठी जे ते पैसे जिथून येतात तिथूनच पैसे फिरण्यासाठी येतात, तिथून दुसऱ्या कुठून येत नाही आहेत. तर ॲट द एज ऑफ 30 माझ्या मित्रांच्या प्रायोरिटीज आहेत फ्लॅट, कार, सेव्हिंग, फंड. माझी प्रायोरिटी आहे ट्रॅव्हल, बाईकवर जग पाहणे. आणि 40-50 वर्षी फ्लॅट घर तर होऊ शकतंच, त्यावेळी मी या गोष्टी करू शकत नाही. आज मी 25 लाख अमाऊंट स्पेंड केली, उद्या कमवू शकतो. मी किलोमीटर्समध्ये काउंट करतो, मला सेव्हिंगच्या नंबरचा काही फरक पडत नाही. मला फरक पडतो माझ्या ऑडोमीटरवरती काही काउंट झालेलं आहे, हे मला खूप प्लेजरेबल आहे. मोर दॅन सेव्हिंग अकाउंट सो दॅट वर मी ना हे रिस्कलेन और आय नेवर थिंक अबाउट माय अकाउंट, आय नेवर थिंक अबाउट माय माइंड, आय नेवर थिंक अबाउट माय टेस्ट. आय जस्ट बी ऑन द रोड, एन्जॉय द टेरेन, मीटिंग लॉट ऑफ पीपल. बस यही मैं एन्जॉय करत होता, मुझे बहुत मजा आ रहा था. और एंड ऑफ द डे अगर मैं कह रहा हूँ मजा आया, वर्थ है. तो जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया हो, मनी स्पेंड किया हो, वो सब वर्थ है. एक वर्ड के आगे मजा आया, रात को गया था, रात मजा आया, बस वर्थ है. माझा दुसरा प्रश्न आया तुम्हाला, तुम्ही जेव्हा आपला देश सोडून तुम्ही ट्रॅव्हल करायला सुरुवात केली, तुम्हाला देश सोडल्यानंतर लोकांनी कशा पद्धतीने तुम्हाला प्रतिसाद दिला? प्रतिसाद माझ्याचा अर्थ असा की लोकांकडनं तुम्हाला कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स मिळाला? ॲक्च्युली या प्रवासाचा एक मोटो होता, वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फ्युचर वन फॅमिली. तर मी भारतातून जेव्हा बाहेर यायचं ठरवलं, मी एकटाच होतो. आणि त्याचं पण कारण हेच होतं की मला एक अनुभव घ्यायचा आहे आणि तो मी एकटाच घेऊ शकतो. जे आपण बोलतो वासुदेव कुटुंबकम, वन फॅमिली वन वर्ल्ड, तर ॲक्च्युली एक्झिस्ट करतं का? जिथे नाही करत तिथं आपण त्यांना समजावून सांगायचं, जिथे करतं तिथं एक्सपिरियन्स घ्यायचं. या दोन गोष्टींसाठी बाहेर पडलो. मला खूप छान एक्सपिरियन्स आला जगामध्ये. रॅन्डम लोक मला घरी घेऊन जायचे, दुपारी मी रेस्ट करत असेल तर कोणी मला फ्रूट द्यायचे, काही फ्रूट द्यायचे, आणि मला मजा यायची त्या गोष्टीमध्ये, लोकांचे इंटरेक्ट करता येतो. आणि जर बाईक याचं हेच कारण आहे, कोणी येऊ शकतो, आपल्याशी चॅट करू शकतो, बोलू शकतो, आपण कुठे थांबू शकतो. फोर व्हीलरचा एक अलग एक्सपिरियन्स आहे, पण तिथे एक आपलं एक आपण बोलतो आता एक कोच घेऊन फिरत असतो. बाईक आपण एव्हरीबडी एक्सपोज फॉर एव्हरीबडी, एनीबडी कॅन कम टू यू, टॉक यू, आस्क यू एनी क्वेश्चन. क्युरियोसिटी असते, तर इंटरॅक्शन त्यांना खूप छान होतं लोकांचं, आणि येथूनच एक कनेक्शन होतं. आज म्हणजे जगभर मित्र झालेले त्याच गोष्टीसाठी की मी बघून रेस्ट करतो, माझी बाईक बाजूला आहे, लोक येत आहेत, भेटत आहेत, कम्युनिकेशन होतं, कनेक्शन होतं. हे रिझन असतं. जेव्हा तुम्ही ट्रॅव्हल करत होता, वॉज देअर एनी लँग्वेज बॅरियर, लाईक वी वर टॉकिंग ओवर देअर व्हेन यू मूव्ह फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लँग्वेज बॅरियर होतो तिकडे? म्हणजे वर यू स्टक बिकॉज ऑफ अ लँग्वेज समवेअर? आय नेव्हर स्टक एनीवेअर, बट थिंग इज दॅट भारत से मैं निकला और मैं जा रहा था लंडन. ये दो कंट्री के बीच दो ही कंट्री ऐसी है जहाँ पे इंग्लिश फ्लुएंस बोली जाती है, इंडिया और यूके. बीच में ईरान, टर्की या यूरोपियन कंट्रीज में भी इंग्लिश कुछ लोग बोलते हैं, वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. डायरेक्ट आपको यूके में ही इंग्लिश में कम्युनिकेशन कन्वीनियंट हो सकता है. तो बीच में मुझे बहुत सारे दिक्कत आए. इवन जर्मनी में भी मुझे इंग्लिश बोलने में सामने वाले लोग कोऑपरेट नहीं करे. और फ्रांस में तो फ्रेंच और इंग्लिश का तो कॉम्प्लीट पहले से ही है. अगर उनको आपको कन्विंस करना पड़ता है कि आई एम नॉट फ्रॉम फ्रेंच, आई एम नॉट फ्रॉम फ्रांस, आई एम कैम फ्रॉम मुंबई, जस्ट टू डेज बैक आई हियर, सो तब जाके वो इंग्लिश बात करते, अदरवाइज उनको फ्रेंच में ही बात करते. तो बहुत सारी जगह पर एक मैं आपको स्टोरी बता दूँ. राइट का कुछ आई थिंक 7 डेज चल रहा था और मैं कहा टर्की में और रोड से ट्रेवल चल रहा था. तो मेरा कहा कि जहाँ पर मुझे भूख लगी थी वहीं पर कुछ दुकान देखना, कुछ ढाबा देखना, खा लेना. जहाँ पे मुझे नींद आएगी वही बाजू में गाड़ी लगा के सो जाना, ये मेरा खंडा था. तो टर्की में एक ऐसे रेस्टोरेंट था, छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसको किसी का कुछ इंग्लिश पता नहीं थी. और उनके जो फूड आइटम था वो अलग अलग था, और मुझे कंटेंट पता नहीं था, तो उसमें क्या है, कौन से जानवर है, मीट है, उनको कोई समझ ना आ रहा है, मुझे कोई समझ ना आ रहा है. और मैं बस चिकन और फिश खाता हूँ नॉनवेज में, तो मैं बता रहा हूँ क्या है मुझे बताओ. तो फिर उसको समझ में आया कि मुझे चाहिए किसका है. तो उसने क्या किया, बुल का एक्टिंग करके दिखाया. तो मुझे मजा आया, अभी ये आइडिया अच्छी है. तो मैंने उसको मुर्गी का एक्टिंग करके दिखाया, मुझे मुर्गा चाहिए.
तो जस्ट इमेजिन एक 6 फीट का बंदा इंडियन राइडिंग अटायर में एक छोटे से रेस्टोरेंट में मुर्गे का एक्टिंग कर रहे हैं, उधर दौड़ रहा है, लोग बताए मुझे ये खाना है, तो कितना एंटरटेन होगा उन लोगों का। तो बोला ये नहीं है मेरे पास, मतलब वर्ड कुछ भी वर्ड नहीं है। अब मुझे टेंशन आया क्योंकि मुझे अभी फीस पूछना था, तो टेंशन फीस कैसे कर दी थी, तो यहाँ पे मतलब रिटर्न कैसे लगा, क्या था लोड़ा खुद हो रहे थे, तो ऐसी चीजें होती रहती थी। What is that one advice to someone who wants to accomplish what you have accomplished? What do you want to tell them कि लाइफ में आगे कैसा बढ़ना है ये चीज़ में? Dedication, मेहनत करो और passion follow करो, अगर passion है तो आप happy रहोगे और happy man can do anything. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Yogesh Alikani. And this is a homecoming. I think the slaps can go louder, ladies and gentlemen. When I say welcome back to India, sir. We're going to play your PPT right now, and you can let everyone know everything in that PPT, sir. But ladies and gentlemen, put your hands together once again for Mr. Yogesh Alikani. Thank you very much. Sir. इंट्रोडक्शन तर आपलं झालेलं आहे, नाम तो पता होगा भी, योगेश आलेकरी, रायडर हूँ, पॅशनल बायकर हूँ। वैसे ही घूमते घूमते 28 स्टेट अपने भारत के हो गए, बीच में नेपाल हुआ, भूटान हुआ इधर, और फिर आइलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये भी बाइक पे गया, खुद ओरिएंटेड बाइक थी। और उस समय आ गया था अपना सपना पूरा करने का, जो था मुंबई, लंदन, मुंबई, एक्चुअली उसका एक थीम बता देता हूँ मैं आपको, ये जो मैं अभी कर रहा है। और एक दिमाग में सपना आया था, मैं मेरा बाइक लेके जो एशिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसमें से ज़्यादा लैंड सेंड पॉइंट पर कहाँ जा सकता हूँ। तो मेरे सामने ये दो पॉइंट थे, जापान और वेल्स। तो डिसाइड किया जापान इतना हैपनिंग नहीं लगेगा, बस चाइना क्रॉस करते करते 2 महीने लग जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया चलो वेल्स जाते हैं, इसमें मज़ा आ रहा है। तो फिर डिसाइड किया मुंबई, लंदन, और फिर निकल पड़ा मैं। 4 साल की मेहनत, लॉट ऑफ पेपर वर्क, स्टडी, R&D, रिसर्च, लोगों के एक्सपीरियंसेस, ब्लॉग, वो सब पढ़ लिए और निकल पड़ा बाइक लेके लंदन के लिए। और ये रहा मेरा रूप, और ये रूप देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी बात हो चुकी हुई, ये प्लान था मुंबई से लंदन, और 4 साल की प्रिपरेशन, स्टडी, R&D या फिर वीज़ा, जो कुछ था वो यही था, मुंबई से लंदन जाना है, लंदन से बाइक शिफ्ट करनी है, वापस आना है फ्लाइट से जो कुछ हो। और उसके लिए मैंने डिसाइड किया था 100 डेज, 24 कंट्रीज, 25,000 किलोमीटर और समथिंग जो था वो। और मैं ग्रीस में पहुंचा और मुझे ब्यूरो यार लॉट ऑफ फन ऑन द रोड, लोग मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और ये 100 में खत्म करेंगे तो फिर क्या होगा, मज़ा खत्म होगा। तो 2 दिन में मैंने डिसाइड किया ये जर्नी वापस मुंबई तक जानी है, कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं, रूट क्या करना कुछ पता नहीं। मैं दिन भर राइड करता था, रात को 2 घंटे बैठता था। और हाँ, एक बात ये यूरोप वीज़ा लिमिटेड था और बहुत सारे कंट्रीज थे, तो मैं फुल डे राइड करता था और रात को 11 बजे, 12 बजे, कभी कभी 1 बजे मैंने राइड किया। और एक दिन मैंने 26 आवर्स राइड किया है।
तो फिर प्लान किया मैंने मुंबई लंदन ये तो चल रहा था और दो दिन में प्लान किया मैंने अब वापस मैं मुंबई भी जाऊंगा और रूट मेरा डिसाइड था वहां से मुंबई लंदन फिर यूरोपियन कंट्री जो डिफरेंट है और फिर टर्की आना है टर्की से इजिप्ट और इजिप्ट से इसराइल जॉर्डन सऊदी अरेबिया कतर बहरीन ओमान और दुबई और दुबई से फ्लाई दुबई से फ्लाई इसलिए क्योंकि पाकिस्तान देखना था और पाकिस्तान इंडियन पासपोर्ट होल्डर को और इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल को परमिशन नहीं देता तो मुझे फ्लाई करना था तो ये रहा मेरा रूट इंडिया से मैं फ्लाई किया ईरान टर्की ग्रीस नॉर्थ मैसेडोनिया अल्बानिया मॉन्टेनेग्रो बोस्निया हर्जेगोविना क्रोएशिया स्लोवेनिया इटली फ्रांस सॉरी इटली स्विट्जरलैंड फ्रांस एंड यूके फिर अगेन मैं फ्रांस में आया और इस ट्रिप में 27 कंट्री के साथ साथ 4 घंटे रिपीट हो चुके हैं और फिर फ्रांस में बेल्जियम गया फिर वहाँ से जर्मनी फिर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के बाद मैं स्लोवेनिया स्लोवाकिया गया रोमानिया हंगेरी सर्बिया और बुल्गारिया और बुल्गारिया में मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो विदाउट वीजा ट्रांजिट वीजा लेके गया और वो 6 घंटे की रिक्वेस्ट करके आपने वो शायद वीडियो देखा होगा मैं 5 बजे बॉर्डर गया था और रात को 11:30 बजे उन्होंने मुझे स्टैम्प देके अलाउ किया और वो एक्सक्यूज ऐसा था कि वहाँ पे कोई मतलब वीजा की कोई अरेंजमेंट नहीं थी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे बस ट्रांजिट दे दो 12 आवर्स के लिए और कंटिन्यू पेशेंस और रिक्वेस्ट कन्विंस करके मैंने 11:30 बजे स्टैम्प ले लिया पासपोर्ट पे और आई थिंक फर्स्ट इंडियन है वो बुल्गारिया में विदाउट वीजा एंट्री किया तो फिर बुल्गारिया फिर टर्की अगेन टर्की टर्की के बाद मैं जॉर्जिया गया जॉर्जिया के तो किसी आपको पता ही होगी जो एग्जिट करता था मेरे पास बुलेट थी और इंट्रोगेशन हो चुका था वो और फिर आर्मेनिया ईरान और ईरान के बाद मैं दुबई गया दुबई से पहले और फिर फ्लाई करके वापस पहुंचना है तो ये मेरा रूट था अलावा एक छोटा सा एक सेरेमनी हुआ था तो शायद पता नहीं था योगी जाले तो उन्होंने कहा है कि इसका है जाने किसी को पता नहीं था कुछ दोस्तों को पता था पाकिस्तान की जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान परमिशन नहीं देता उसके पीछे कुछ रीजन्स है उन्होंने मेरे उनकी जमीन यूज करने नहीं दी तो मेरे बाइक मैंने फ्लाइट में डाल दिया और उसका एयरफील्ड पाकिस्तान का एयरफील्ड यूज करके मैं पहुंच गया ईरान में और मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी तो ईरान में बहुत मजा आया मुझे ईरान पे ये सब जर्नी में आपको लोग सब लोग पूछते लोग कैसे थे मतलब एक्सपीरियंस कैसे कौन सी कंट्री अच्छी है तो इसमें ईरान के लोग सबसे बढ़िया हम्बल प्यारे लवली और ईरान का गवर्नमेंट सबसे डिफिकल्ट लगा मुझे सिस्टम डिफिकल्ट लगा तो एक दिन ऐसा हुआ था ईरान का फ्यूल बहुत प्रॉब्लम करता था 10 सेकंड उसकी बहुत कम थी बाइक मेरी पहले 2 दिन बहुत प्रॉब्लम चल रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ मैंने प्लग चेक किया फ्यूल चेक किए इग्निशन वायर चेक किया सब चेक किया बैटरी चेक किया 2 दिन मेरा प्रॉब्लम चल रहा था तीसरे दिन मुझे रियलाइज हुआ ये फ्यूल का प्रॉब्लम है जब मेरी बाइक और ही होती है तब तो ये जो फोटो दिख रहा है ये ट्राई चल रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है और ये वाला टेरेन है एक दिन मैं दूसरे दिन में एक बार फंस गया था उसका फोटो नहीं चाहिए तो एक स्टोरी हुई हाईवे था मैं झांझर से काबरी जा रहा था और समर मेडल ऑफ रोड बाइक बंद हो गई दोपहर के 1:30 बजे थे टेम्परेचर 42 था ह्यूमिड बहुत ही कम था हाईवे तक कोई नहीं रुक रहा था मैं ट्राई कर रहा था क्या करूँ मुझे बस कह रही बाइक कूल डाउन कर लिया और हिमालयन आपको पता है ओवर हीटिंग होती है हिमालयन का प्रॉब्लम ही है ओवर हीटिंग का और जैसे हो रही ओवर हीटिंग होती थी बाइक बंद हो जाती थी क्योंकि वो फ्यूअल उसमें इथेनॉल जाता था एक बंदा रुका उसको पर्शिया उसको इंग्लिश का ये पता नहीं मुझे पर्शिया का भी पता नहीं था कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा हम लोग 2 घंटे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे हमें दोनों की लैंग्वेज आती नहीं थी उसको हेल्प करनी थी और मैं बोल रहा था कि भाई मुझे हेल्प नहीं चाहिए मुझे कुछ शेल्टर चाहिए जहाँ मेरी बाइक खड़ी करूँ और मुझे थोड़ी ठंडी करनी है उसको लग रहा था मैं हेल्प मांग रहा हूँ समझाते समझाते मेरे पसीने छूट गए कि भाई तुम जाओ मुझे हेल्प नहीं चाहिए मुझे शांति चाहिए कुछ कर नहीं सकते वो मानने को तैयार नहीं उसको हेल्प ही करनी थी क्योंकि वो ईरानी लोगों का नेचर है भाई तो इसको पकड़े इसको हेल्प करके छोड़ेंगे तो फिर मैंने जब पसीना खोजने के लिए मेरा टॉवल निकाला तब मुझे आइडिया है मेरी ग्रुप के लिए मैंने वो टॉवल में ऐसा बोला मुझे ये चाहिए इसकी ज़रूरत है छाव चाहिए मुझे और वो कहाँ मिलेगी अपने यहाँ पे इतने सारे पेड़ है जंगल है उस दिन मैं एक पेड़ के लिए तरस रहा था क्योंकि ईरान में जो रेस्टोरेंट्स है उनके पीछे कोई शेल्टर नहीं होता और अंदर लोग बैठते सबके व्हीकल सच धूप में खड़े रहते और धूप में खड़ी रहेगी तो मेरी बाइक ठंडी नहीं होगी तो मुझे कही थी छाव वो बोला यार उनकी आँखों में चमक देखी मैंने वो बोला मुझे पता है एक जगह पे झाड़ है एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे एक ट्री है मुझे पता है तो एक पेड़ के लिए मैं तरस रहा था वो उसका खुश हो गया मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ फिर रस्सी निकाली खो करके वो रेस्टोरेंट गए फिर 2 घंटा ठंडी गए और काम निकल गया बट एक पेड़ के मैं
ईरान में सऊदी में अब जाओगे तो पता चलेगी क्या होती है, तो ऐसी स्टोरी होती रहती थी। और ये ईरान के लोग तो बोला मैंने आपको सबसे ज़्यादा पहले ऐसे लोग में खड़े रहते, कोई भी घर पर उठा के लेके जाता था, ये फैमिली लोग को इनको किसी को इंग्लिश पता नहीं थी, चलो बोले, मैं बोला चलो फिर कहाँ जाना है, घर जाना है, चलो क्या करना है, खाना खाना खाते, फिर ऐसा चल रहा था। इन्होंने बहुत बढ़िया मेरे लिए खाना बनाया दोपहर को ये, और मस्त बताया मुझे, मैंने उनको बोला भी यार मेरा घर पे ऐसा लग रहा है मैं घर पे बैठा हूँ मेरे, और सब लोग बैठ के खाना खाते, क्योंकि तब तक मैं यूरोप में टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा टेबल पे जब बैठते हैं डाइनिंग पे, तो वो मुझे तब फील हुआ कि यार टेबल पे कनेक्शन नहीं बन रहा था, मैं ये बैठ के खाना खा रहा हूँ तो लोगों से कनेक्शन बन रहा है, मज़ा आ रहा है, जैसे घर वाली फीलिंग आ रही है, तो मुझे उसी टाइम रियलाइज हुआ। तो ये था ईरान के किस्से, और एक और चीज़ हुई थी जर्नी बहुत बढ़िया, तो मैं कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स लेके आता हूँ। मैं स्विट्जरलैंड गया और फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने होस्ट किया था, वो महाराष्ट्र फैमिली थी, माया देशपांडे और ज्ञानेश देशपांडे, और मैं रात को गया, बहुत बढ़िया मराठी खाना था महाराष्ट्र फूड था, और खाते खाते गप्पा मारायला मराठी मधून, मस्त तोंडे लावायला भाषेमध्ये, जसं मराठीमध्ये खूप मस्त सुंदर बोलायला मिळालं, हीच माझ्यासाठी मेजवानी होती, पुढा सेकंडरी पार्ट होता, खूप मजा आली, महाराष्ट्राची लोकं मला भेटली स्विट्झरलँडमध्ये। आणि स्विट्झरलँडमध्ये एंट्री करताना, स्विट्झरलँड हा युरोपियन युनियनचा देश नाही आहे, शेंगेनमध्ये आहे, तर तिथे जर त्या बॉर्डरचं थोडं चेकिंग होतं, युरोपियन युनियनच्या व्हेकल्स अलाउड आहेत स्विट्झरलँडमध्ये, बाहेरचे असतील तर अलाउड आहे तिथे, फक्त की डॉक्युमेंट प्रॉपर चेक केलं जातं। आणि तुम्ही कधी ही गोष्ट नोटीस केली नसेल, ही आहे माझ्या गाडीची नंबर प्लेट INV, और ये जो नंबर है दिख रहा है ये यूरोपियन के नंबर से, यूरोपियन व्हीकल्स है उसके ये नंबर है PL पोलैंड है, डी मीन्स डचलैंड जर्मनी, और उसके ऊपर जो स्टार दिख रहे हैं वो सेम इंडिया के नंबर पे भी है, बस कलर चेंज है। तो बॉर्डर पे उन्होंने उनको लगा यूरोपियन की गाड़ी है तो छोड़ दिया, जैसे जाने दिया, और बाद में उन्होंने नोटिस किया कि INV ये कौन सा मेंबर हो गया यूरोपियन यूनियन में, ये नया मेंबर कौन आ गया, तो मुझे रोका दिया फिर उन्होंने, फिर मुझे पूछा विच कंट्री, इंडिया, तो बोला इंडिया का खूब पासपोर्ट पूछा, और बोला कि ये आप ये सिंबल क्यों यूज़ कर रहे हो, मैंने बोला क्यों क्या हुआ, उन्होंने बोला ये यूरोपियन यूनियन का सिंबल है, INV कैसे बीच में आया, एक्चुअली वो शॉक हो गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन में चार ही कंट्रीज है, उनके थ्री लेटर्स, थ्री इनिशियल लेटर्स नंबर प्लेट लेते हैं, जो आयरलैंड है, बोस्निया हर्जेगोविना है, और इस्टोनिया है, और फिनलैंड है, चार ही कंट्रीज है जिनके थ्री लेटर्स नंबर प्लेट पे आते हैं, बाकी सब सिंगल और टू डिजिट्स है, सॉरी टू लेटर्स है, जैसे PL हो, DO, तो ये शॉक होगी कि थ्री लेटर्स वाली नई कंट्री कौन शामिल होगी। तो उन्होंने मुझे पूछा ये आप यूज़ क्यों कर रहे हो, मैंने पूछा यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन, मतलब वो कम्फर्टेबल कॉन्वर्सेशन चल रहा था, 1993 में है और इंडियन RPO 47 में है, तो मतलब ये ऐसा कुछ ऑरोगेंट की बात नहीं थी, एक मजाक की बात चल रहा था, वो भी शौक हो गया कि यार हमारा लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं शौक हो गया कि यूरोपियन यूनियन और इंडियन RPO के लोगों से हमें, तो ये ऐसे कैसे बनते रहे थे। ये महाराष्ट्र फूड और ये फैमिली बहुत मजा आया मुझे। फिर लंदन पहुंचा, जो मेरा टारगेट था मुंबई लंदन, लंदन में बहुत सारे लोग मिले वहाँ पे, इंडियन हाई कमिश्नर ने मुझे कुछ बैज ऑफ ऑनर करके अवार्ड दिया था, और गणपति फेस्टिवल मैंने सेलिब्रेट किया लंदन में, और नवरात्रि सेलिब्रेट किया मैंने इस साल जॉर्जिया में, लंदन में बहुत मज़ा आया मुझे। और जैसे मुझे अच्छे लोग मिले वैसे ही कुछ खराब लोग भी मिले, बट ऐसा मज़ा किया सब लोगों में, रमजान का नेचर अच्छा है तो मजाक मजाक में सब निपट लेते, तो उसका एक स्टोरी बता देता हूँ। मैं टर्की में था और दुनिया के बहुत कुछ ऐसे रोड है, डेंजरस रोड बोलते हैं, एक वेबसाइट है dangerousroad.org, तो वो वेबसाइट पे मुझे कुछ डेटा मिला था, उसमें एक रोड था डार्क के नाम, उसको डार्क के नाम बोल सकते हैं या फिर स्टोन रोड भी बोलते हो, टर्की में है, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाना था मुझे, और वो बहुत ही आउटसाइड था, सदर्न पार्ट ऑफ टर्की में था, वो मैं निकल पड़ा और 300 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा करना था वो रोड के लिए, और उसके लिए मुझे एक 200 किलोमीटर का माउंटेन और टेरेन था, एक प्लेटू था, कुछ रेस्टोरेंट नहीं था, पेट्रोल पंप नहीं था, गैस स्टेशन नहीं था, और सिंगल रोड था, जस्ट 10 फीट का रोड सिंगल लेन, मैं निकल पड़ा। 5 बजे मेरा टाइम रहता था पावर नैप का, मैं एक जगह सो गया, यूरोपियन कंट्रीज में या फिर एशियन कंट्रीज में पानी रहता है रोड के बाजू में, जगह पर रहते हैं पानी के अरेंजमेंट,
एक बेंच रहता है, वो पार्किंग के लिए स्पेस रहता है जो लोग आए थे, तो अब एक बेंच देखा मैं सो गया, बलग लगा कैब थी तो मैंने सर पे ले ली आंखों पे, तो मुझे नींद अच्छी सी आती है, मैं थोड़ा एंजॉय करूँ नींद, मैं सो गया। एक वैन आई, मैं चेंज कर रहा था बाजू से, मुझे पता चला एक वैन आ गई, मैं इग्नोर किया चल दो, फिर उसमें जो कुछ लोग उतरे वो जो मुझे फील हो रहे थे लोग उतरे इधर उधर चल रहे उनका उठने कर लिया मैंने, फिर कुछ मेटल का आवाज आया, इक्विपमेंट स्कूल किट वाला जैसा आवाज आया मुझे, मुझे लगा ये टूल किट होगा ब्रेक डाउन होगी, लोग टायर निकल रहे होंगे, वो भी इग्नोर किया, फिर आ गई मुझे आवाज़ कुछ कौन की पानी पीने की, तो कुत्ते पानी पी रहे थे आवाज़ आई, तो मेरी क्यूरियोसिटी अंदर हाई लेवल पे चली गई, और ये क्या चल रहा है आजू बाजू में चलो देख लेते, तो मैंने निकल लिया, मैंने मेरा कैप निकल लिया नीचे और देखा, तो मेरे सामने का सीन मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं बैठा शॉक हो गया, एक साइड पे वैन खड़ी है विंगलर जैसी कुछ टर्किश वैन थी, उसमें से लोग कुछ उतरे थे, मेरे पीछे दो तीन लोग थे वो एक जानवर काट रहे थे, उनका चल रहा था उसके काल निकालना, वो सब काट कर चल रहा था, एक बंदा था वो दोनों कुत्तों को पानी पिला के उसको कुछ अरेंजमेंट कर रहा था, दो लोग थे उनका शायद वो शूटर होंगे, वो मेरी बाइक के भी जो लगे थे टारगेट सब था स्टिकर्स थे टाइटल्स थे वो गूगल ट्रांसलेटर में डाल के चेक कर रहे थे कि इसमें क्या लिखा है, इंग्लिश को आती नहीं थी, वो उनका क्यूरियसली बाइक के बाजू में देख रहे थे डाल के चेक कर रहे थे अच्छा मुंबई टू लंदन उनके लैंग्वेज में, और दो लोग थे उनके पास बहुत सारे वेपन थे शॉर्ट थी नाइफ थे राइफल थे रिवॉल्वर थे वो सब साफ कर रहे थे अंडर रख रहे थे, उनका कुछ अरेंजमेंट चल रहा था, तो मैंने ऐसे देखा भाई ये क्या चल रहा है, इधर ये चल रहा है या फिर कुत्ते खड़े या फिर हमें रिकॉर्डिंग बता रहे हैं या फिर काट रहे हैं लोग ये हथियार संभाल रहे हैं, तो मैं पहले सोचा कि चलो भी इंटरेक्शन कर लेते हैं किसी से बात करते तो पता चले कि आप एक शिकार होने वाले या दो होने वाले हैं, तो मैं क्या बोलने के लिए तो सामने से ग्रीट किया उन्होंने उनके लैंग्वेज में, मैंने हाय हेलो बोल दिया, फिर क्वेश्चन आंसर हो गए, बातें बातें चल रही थी इधर उधर की, तो थोड़ा कम्फर्ट नहीं सा गया क्योंकि क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा अफकोर्स ट्रांसलेटर के हिसाब से, और उसके पहले मैं कभी है ना वो कुछ बोल रहे थे मैं कुछ बोलते देता था अपनी लैंग्वेज में, मुझे पता था कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है बस टाइम पास वाला चैट चल रहा है, तो मैं ट्रांसलेट वाला बस लास्ट में यूज़ करता था जब इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस टाइम मैंने ये रिस्क नहीं ली, उस टाइम मैंने पहले इमीडिएट मोबाइल चेक किया नेटवर्क था ट्रांसलेट किया और जो कुछ बोल रहे थे मतलब इसको बोलो मुझे समझ नहीं तो क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोल दिया मैं कहाँ से आए हो मतलब हिंदुस्तान, फिर चल रहा हो क्या क्या जा रहा है क्या कर रहा हो यहाँ पे क्यों आए ये सब हो गया, और पूछा भाई अकेले हैं मैंने बोला यस, फिर बोला डरने लगता तो इमीडिएट मोबाइल लिया मैंने वो डाल दिया, अगर आप जैसे जेंटलमैन आजू बाजू में मिलेंगे तो डर किस बात का, तो ये देखा उन्होंने कन्वर्ट किया ऐसे देखा उनके लैंग्वेज में हंसने लगे, वो सार्केस्टिकली लिया कॉम्प्लीमेंट्री लिया मुझे पता नहीं, बट उन्होंने उनके लैंग्वेज में और लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, वो भी हंस लगे खुश हो गए, मैंने नोटिस किया गया खुश हो गए, थोड़ा कम्फर्ट आया, तो बोला भी पहले फुर्सत में निकलने का टाइम आ चुका है, ज़्यादा मुश्किलें नहीं पड़ा नहीं है, तो मैंने बाइक पे बैठा और बोला थोड़ी सेल्फी हो जाए डर डर के, तो हो गया बोला चलो ले लेते, उसमें से एक बंदा उठ के गाड़ी में गया और एक लंबी चौड़ी राइफल लेके आया, मुझे लगा मतलब मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, अकेले को पड़ा सा था गलती कर दी, तो मैं डर गया, तुम भी बोला भाई फोटो के लिए, बोला भाई तो बच्चे की जान लोगे क्या यार ऐसा क्या कर रहे हो, तो फिर फोटो लिया, ये वाला तो वो सीन था वो जो पीछे वो काटचक वो जो राइफल वाला बंदा है उसके पीछे दो लोग दिख रहे थे काट रहे वो कुछ जानवर, और मैं आपको दिख रहा हूँ कुत्ता इस टाइम में कुत्ता है ये यहाँ पे कैमोफ्लेज हो चुका है, और ये सब ऐसे डरावने लोग थे, और इन्होंने सबसे लंबी वाली राइफल लेके आया जो उसके पास थी, बोला मजा आना चाहिए वो भी था, तो फिर ये सब करने के बाद ये एडवेंचर हो गया वाले निकल लेते अभी यहाँ से निकल लिया और गया स्टोन रोड के लिए, वो तो भाई खतरनाक एडवेंचर था, ये रोड बनाने के लिए 122 साल लगे थे, 1980 में ये रोड स्टार्ट किया और 2002 में ये रोड का काम एंड हो गया और छोड़ दिया, बट ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो डार्क कैनन टर्की या फिर स्टोन रोड टर्की आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगी, ये रोड में 38 टनल से जस्ट 20 या 15 और 20 किलोमीटर में 38 टनल से, और बहुत खराब रास्ता था, और आपको पता होगा एडवेंचर मतलब एक थिन लाइन रहती है जो एक रिस्की थिन लाइन रहती है, अगर उसमें से आप चल रहे हो तो एक गलत कदम और आपकी सल्तनत खत्म, तो ये वाला ऐसा रोड रहता है, ये वाला वो रोड था और ये आप दिख रहे छोटे छोटे टनल से, और वो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ,
और यहाँ पे कोई आता नहीं था, कोई जाता नहीं था, कोई ये नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो रोड मेन में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं है एडवेंचर के लिए, वो कहीं जाता नहीं, आगे जाके ब्रिज कोलैप्स और क्लोज हो जाता है, वो एडवेंचर के लिए बचा है। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए गया था, मजा आया एडवेंचर। इसका वीडियो शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, टनल्स पे कुछ सेफ्टी नहीं थी, कुछ जीपीएस नहीं चल रहा था, नेटवर्क नहीं चल रहा था, ताकि मेट्रो हो सकता है यहाँ पे कुछ वे सेफ हो गया, तो ये बहुत हार्मफुल होगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल सिनेरियो हो जाएगा। तो मैंने ये मतलब हाफ डे उस पर कर दिया और निकल लिया, फिर आगे एर्जरम जाना था जो कि 300 किलोमीटर था मेरे से। तो फिर मैं चला गया, ये लास्ट है ये रोड के बाद टर्की एंड हो गया, फिर जॉर्जिया चला गया मैं। जॉर्जिया की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, अभी टाइम अपने पास बहुत कम रहता है यहाँ पे, क्योंकि 128 डेज की स्टोरी चल रही है सब। तो कुछ गिने चुने स्टोरीज लेके आया था, जॉर्जिया की स्टोरी बहुत बढ़िया थी, सब हर एक कंट्री में जो अलग अलग एक्सपीरियंस दिए। दुबई आया, दुबई से एक्चुअली एक और चीज हुआ था, दुबई से मुझे आया 8 अक्टूबर को मैं सर्बिया पहुंच गया 8 अक्टूबर को, और मेरा प्लान वही था मुंबई सॉरी लंदन यूरोप टर्की फिर इजिप्ट मिडल गल्फ कंट्रीज एंड देन दुबई से फ्लाई करने का मुझे। 8 अक्टूबर को मैं सर्बिया पहुंचा और 7 अक्टूबर को आपने सुना होगा इसराइल और हमास का वॉर शुरू हुआ। हमास ने सुबह सुबह 5000 रॉकेट इसराइल पे डाले थे, उसमें से एक रॉकेट उड़ के मेरे प्लान पे आके गिरा था, शायद आपको ये मीडिया बताएगी नहीं तो पता निकल में आया हो। तो वो जैसे ही वॉर हो गया मेरा ये प्लान मुझे लगा शायद सब मिसहैप होने वाला है। 8 तारीख को मैं सर्बिया पहुंचा, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था वो RNW में है, उसने बहुत सारे RNW के यूरोप के मिशन हैंडल किए थे, तो उसके बाद बहुत सारी स्टोरीज थी सुनने के लिए मेरे पास आया था। उसने बोला इसराइल के रास्ते मत जाना अभी वो बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने बोला मैं जा रहा हूँ ईरान होके। तो मेरे पास उस टाइम था कि इंडिया से मुझे पाकिस्तान की परमिशन नहीं मिली, तो अभी इसराइल का प्लान नहीं हो रहा है। इसराइल के वीज़ा के लिए मैंने 7 डेज इस्तांबुल में रखे थे, तो ये पाकिस्तान के लिए यूज़ करूँ क्या, मैंने मेरे दोस्त को पूछा। तो वो बोला मुझे कर रहा है पाकिस्तान तो देगा नहीं, पहली बात अगर दिया तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनल मैसेंजर ये वाली टर्म रहती है फाइल में, अगर ये वाली केस लग गई तो खत्म, टाटा बाय बाय खत्म, ऐसा ही होगा। मैंने बोला मतलब इसका एक्सप्लेन हो क्या है। तो एक चीज़ ऐसी थी, मैं इंडिविजुअल पर्सन एक बाइक लेके कहीं जा रहा हूँ और पाकिस्तान मुझे वीज़ा भी दे दिया, मैंने बहुत सारे इंडियन एम्बेसीज को विजिट किया था। तो अगर किसी को लगा कि ये पर्सनल मैसेंजर है, मतलब यहाँ का मैसेज वहाँ भेज रहा है, अकेला इसलिए जा रहा है, इसके पास सब लीगल डॉक्यूमेंट है, वीज़ा ये है, बट पर्सनल मैसेंजर है जिसका कोई डेटा नहीं है, मतलब कोई ऑनलाइन मेल नहीं है, व्हाट्सअप नहीं, कुछ नहीं है, तो कोई प्रूव भी नहीं कर सकता कि ये नहीं है और कोई प्रूव नहीं कर सकता कि ये है। तो अगर किसी को सस्पेक्ट लगा तो उनका प्लस पॉइंट रहता है। कोई अमाउंट जो उन्होंने टर्म बताया, मतलब ठीक है मैं अवेयर रहूँगा बट ट्राई करता हूँ। इस्तांबुल से मुझे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं, मुझे नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया, और रीज़न भी उसका बहुत बढ़िया दिया था, पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया मुझे। तो मैं फिर दुबई आया, मैं वो फेरी पे आया था बंदर अब्बास पोर्ट पे, बारिश आ गई 30 मिनट, सब मेरे कैंसिल, मुझे बाइक वेजन में डालनी पड़ी, और डिसीजन यार ट्रिप में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डिसीजन ले रहे हो। मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया फेरी से जाएगी, सॉरी फेरी से नहीं वेसल से जाएगी, तो वेसल से भेजी, 5 दिन वेस्ट हो गए मेरे जस्ट 30 मिनट की बारिश से। फिर दुबई आए, फिर अब तक मेरा कॉफी भी खत्म हो रहा था और मुझे IBW भी अटेंड कर रहा था, तो मैंने अगेन मेरी बाइक कोचिंग वाली फ्लाइट में डाल दिया और मैंने उड़ान भरी कोचिंग के लिए। फिर कोचिंग करते करते मैं यहाँ पे सब स्टोरी बताने के लिए आपके पास आया, और अभी देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स जो फ्लाइट आई थी। वह मुंबई लंदन मुंबई सोलो राइड 128 डेज 27 कंट्रीज 2 कॉन्टिनेंट 29,000 किलोमीटर 2 ईयर कार्गो फ्लाइट्स 1 वेसल कार्गो 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर फेरी 6 पैसेंजर फ्लाइट्स, क्योंकि कुछ कंट्री में बाइक अलाउड नहीं तो मैं फ्लाई करके जाके एक रॉकेट वापस आया, तो इसमें पैसेंजर फ्लाइट्स का काउंट ज़्यादा है। फ्यूल इसके लिए मुझे लगा 11-7 लीटर फ्यूल लगा, ऑयल 20 लीटर, इसके लिए मैं हेड गैस के मेरा जल गया था इसलिए मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, तो मेरा 20 लीटर इंजन ऑयल लगा, आई वॉज बर्निंग फ्यूल एज वेल एज ऑयल एट द सेम टाइम, और 0 टायर फ्लैट, ये मेरे ट्रिप की सबसे लकी और ब्लेस मोमेंट है, 0 टायर फ्लैट 1 चला UK में लगा था।
वन पेयर ऑफ टायर, फोर पेयर ऑफ ब्रेक पैड्स, वन क्लच वायर, टू मोबाइल फोन, दो मोबाइल फोन की कुर्बानी दी है ये प्लान में और 12 सिम कार्ड मुझे लेने पड़े आज तक। और ओवरऑल एक्सपेंस वैसे बहुत हो चुका है, 20 to 25 lakh के आसपास हो चुका है क्योंकि मैंने दो बार एयर कार्गो किया। और ये था मुंबई लंदन मुंबई, थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ क्वेश्चन है तो चेक कर लेते। How are you associated with Rotary? Oh, I am a member of Rotary Club of Pune, Sravas. Okay. I am a member of RC Palanpur, 3055. Or, किसी के कुछ questions हैं, कुछ curiosity है, कुछ doubts हैं? Next trip का मेरा plan चल रहा है वो African continent, तो नए continent, नए stories, नए countries लेके मैं आऊँगा जल्दी। और पता नहीं कब क्वेश्चन सुन लगे एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मुझे एक साल लगा। अक्टूबर 2020 में मैंने स्टार्ट किया था और वो जाके जुलाई 2023 में कंप्लीट हो गया, तो ये 8 to 9 months लगे मुझे कंप्लीट करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अगर इंडिया से जाना चाहेंगे तो पाकिस्तान का रूट कभी खुलेंगे? मिस्टर अबरार तो आगे गए इंडिया में, भले हमें जर्मन पासपोर्ट था, और मिस्टर अबरार गाइडलाइंस से अबरार वो इंडिया के गए हैं, आप हमारे अबरार हैं, तो अगर हमारे पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो क्या ही कभी बाद में कभी हो सकता है कि हम पाकिस्तान के रास्ते में आपकी तरह इतना एयर फ्लाइट वगैरह ना करना पड़े हमें? इधर एन होप। ओके, मैं बता रहा हूँ, अबरार बहुत बढ़िया बंदा है, बट उसके पास जर्मन पासपोर्ट था और उन्होंने पाकिस्तान सिटीजनशिप हाइड कर रखी थी, इसलिए उनको फर्स्ट टाइम वीज़ा मिला था। सेकंड टाइम उन्होंने अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। और एक और चीज़ ऐसी है कि हालात जो पहले जैसे नहीं है, मुझे रीज़न आया था, इंडिया पाकिस्तान मैच हुई थी अहमदाबाद में और वो स्टेडियम की कैपेसिटी थी 1 lakh और 3 पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा मिला था, और उसका रीज़न था उनके पास US वीज़ा था इसीलिए उनको इंडियन वीज़ा मिला था 3। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने 99% वीज़ा रिजेक्ट कर रही है, तो हम भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं और कोई चांसेस नहीं है। तो और एक और रीज़न कि पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा, इसीलिए 1971 के पहले पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश अभी है वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो उन्होंने लाहौर से ढाका के लिए एक रूट मांगा था इंडियन टेरिटरी में, तो इंडिया ने डिनाई कर दिया। तो तब से पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि इंडियन व्हीकल्स पाकिस्तान के रस्ते पर नहीं चलेंगे और पाकिस्तानी व्हीकल्स इंडियन रस्ते पर नहीं चलेंगे। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट है और इंडियन नेशनल व्हीकल है, ये बहुत टिपिकल हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पर जाके कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको पाकिस्तान की एंट्री मिल जाएगी। अगर मिलेगी तो 20-40 हज़ार रुपये में पाकिस्तान को क्रॉस कर सकते हैं, जो कि मैंने 6 lakh स्पेंड कर दिए शिपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके में जो चालान काटा था, तो थोड़ा मैंने जो फ्रंट व्हील था वो फुटपाथ पे था पार्किंग में, तो फुटपाथ पे टायर है इसलिए मुझे चालान काटा था। एक्चुअली वो लीगली चलानी है और उसकी कॉस्ट थी 13,500 rupees इंडियन रुपीज में, तो ये मेरे जैसे बजट ट्रैवलर के बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो मैंने बोला कि ठीक है वो आप इंडिया भेजो, तब तक मेरे पास और पैसे आएंगे, मैं कमाऊंगा मेरे वेल से छोटे से चल में, तो मैं पे कर सकता हूँ, अभी मेरी इतनी हालत सही है, तो मैंने वो पे नहीं किया, सॉरी। तो वेट करो आएगा, मैं भरूंगा कभी ना कभी, तब तक मेरे पास पैसे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा ही सवाल है तो नहीं, मेरा सवाल रूट के ऊपर ही है, जो आप एयर फ्लाइट ले रहे थे व्हाई कुडंट यू कंसिडर गोइंग वाया चाइना, क्या ये ऑप्शन भी नहीं था आपके पास चाइना एंड गो वाया मे बी अफगानिस्तान? आजकल शायद बहुत फ्रेंडली है रूट ट्रैवलर्स के लिए, गुड क्वेश्चन। तो चाइना मे बी कहीं से चटके से आप चाइना एंटर करते और शॉर्टेस्ट रूट
से शायद अफगानिस्तान क्रॉसिंग पहुंच जाते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैं जब ट्राई स्टार्ट कर रहा था तब भारत के सब बॉर्डर क्लोज थे, अटारी बॉर्डर, नेपाल नेपाल से चाइना वाली बॉर्डर हो, म्यांमार की बॉर्डर तो अभी भी क्लोज है और वो 24 तक तो खुलेगी नहीं। चाइना बॉर्डर भी क्लोज ही थी, अभी खुली है। और चाइना का एक बात है, चाइना में एक्सपोर्ट लगता है और एक्सपोर्ट की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। फिर चाइना से मंगोलिया ये करते करते अब ईरान पहुँचने के लिए फिर 1-1.5 महीना लग जाता है। और उस टाइम तो ओपन था ही नहीं, मेरा कुछ प्लान नहीं था चाइना जाने के लिए। अगर ओपन था तो भी नहीं जाता क्योंकि मुझे वापस इतना दिन स्पेंड नहीं करना था एक्सपोर्ट के साथ, मुझे अकेले ट्रैवल करनी थी, तो वो रूट नहीं है। अभी खुला ही शायद वो रूट। और अफगानिस्तान डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है, वो फिर कश्मीर बॉर्डर से कजाकिस्तान जाना पड़ता है, किर्गिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान और फिर जाके अफगानिस्तान, फिर ईरान। और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, इतनी बड़ी जर्नी है। दिस वन नो व्हाट टायर्स यू यूज बिकॉज यू डोंट हैव एनी टायर फ्लैट राइट थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज दिस वन नो एंड गेट द सेम टायर फॉर बाय अनदर। एक्चुअली मेरे पास पहले जो टायर थे वो ये हमारे सी एच के थे, वो भी यूज़ किए थे, फिर हमारे प्रियर टायर किए थे। और ये जर्नी के लिए मैं टायर पर बहुत रिसर्च था क्योंकि मुझे टायर साथ में कैरी नहीं करने थे, मेरे पास ऑलरेडी लगेज था। तो मेरे पास पहले जो टायर थे उसका काउंट किया मैंने, कितने चले हैं कितने, तो ये मेरे बजट में आ गया था, बजट मतलब किलोमीटर में कितना चल रहा है, तो सेम टायर मैंने लगा दिए। तो टायर भी बच्चे और फ्लैट नहीं हुए, मैंने ऑफ रोड किया, बहुत खराब रस्ते पर रहती है बट कुछ वो नहीं। और मैं रेडी था, एक्चुअली मेरे पास ट्यूब था, मेरे पास एक अगर टायर फ्लैट हो जाता तो वो नहीं अच्छी बात है, उसके लिए मेरे पास टायर इंफ्लेटर था, मेरे पास ट्यूब थी, मैं टायर खोल सकता हूँ दोनों लगा सकता हूँ। तो जैसे ही पंक्चर होते मेरे पास एक्स्ट्रा ट्यूब है, ट्यूब डाल के कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे जो पंक्चर वाली ट्यूब है वो रिपेयर करके पैकअप में रखता हूँ मैं। बट ये जर्नी में मुझे और कुछ काम कर थे तो ये काम करने का मौका नहीं मिला। ओके नेक्स्ट, so if you had an opportunity to do this all over again, what is that one learning that you would share with us saying that you would probably do this a little differently than what you've done? I didn't get it. So you've obviously had amazing experiences, but there could be something that you know didn't go right, and maybe you would thought that you know if I'd done something differently. दोबारा अगर करेंगे तो आप अलग से करें। दोबारा मैं सोलो ही करूँगा, बहुत मजा है, सोलो ही करूँगा। और एक्चुअली मेरा प्लान ही है वर्ल्ड टूर करने का, ये मेरा वर्ल्ड टूर का फर्स्ट लेग एंड हो रहा है, अभी पार्टी शुरू हुई है बस, तो बहुत कुछ आने वाला है। मेरा हर कंट्री का स्टडी है। आप मैं जस्ट इमेजिन, मैं 2 दिन में लंदन टू मुंबई प्लान किया, मुझे पता था हर कंट्री में वीज़ा कौन से कंट्री पे मुझे वीज़ा मिलेगा, कौन सा ई वीज़ा करना है, कौन से वीज़ा को कितने दिन लगेगी, वो कौन सी सिटी से अप्लाई करना है, कौन सी कंट्री में मैं यूके वीज़ा पे जा सकता हूँ, कहाँ पे मेरी क्या परमिट होगी, मेरे पास कारनेट के पेजेस कितने बचे हैं, और वेदर क्रॉस करने में रिटर्न। और ये ट्रिप में वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टेरेन चेंज कर रहा हूँ, बहुत माउंटेन रीजन चेंज कर रहा हूँ। विंटर आने वाला था तो मुझे पता था कि मैं ये देश में ये कंट्री में हूँ और वहाँ पे ये टेम्परेचर रहता है, इसका स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, R&D स्टडी। तो आज अगर मुझे आप पूछोगे कि ये टाइम पे चिली में क्या टेम्परेचर होगा, ये टाइम पे अफ्रीका में वेदर कैसा है, अगर आज के टाइम पे हम लोग यहाँ पे चैट कर रहे हैं, वहाँ पे ईरान में क्या टेम्परेचर चल रहा है और वहाँ पे टाइम भी क्या चल रहा है, ये स्टडी मैं 4 साल से कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। थैंक यू। हेलो, हम 7 सिस्टर एक्सपीरियंस करना था। रिपीट, 7 सिस्टर एक्सपीरियंस करना था। 7 सिस्टर मीन बीच वाला फिरोना लूला है। Okay, now we have time for just one more question. Yogi ji, hello. आम्ही बरेच बारीक बाइकर्स बघतो जे छोटे मोठे बाइक्स करतात आणि एखादा ब्रँड घेऊन फिरतात, म्हणजे थंडी रिलेटेड माणसांशी तुमच्या बाईकवर कुठला ब्रँड दिसत नाही आहे, त्याबद्दल थोडंसं सांगा, आणि एखादा ब्रँडने तुम्हाला अप्रोच केला तर काय प्रतिक्रिया असेल? गुड क्वेश्चन। ब्रांड में बाइक पे कुछ नहीं है क्योंकि मुझे किसी ने कॉन्फिड नहीं किया। जब मैं अप्रोच कर रहा था तो मुझे ऐसे ऐसे आंसर आए थे कि मतलब कि ऐसी बात बोल नहीं सकती, अकेला कोई लंदन जा नहीं सकता। कुछ लोग बोले कि भाई तुझे पता नहीं लंदन है क्या, इसलिए तो बोल रहे, जब पता चलेगा तो कैंसिल कर देगा।
ये भी मैंने ऐसे सुने हैं। तो उस टाइम पे अभी भी कोई गया नहीं सोलो और ग्रुप, तो मुझे कुछ ब्रांड नहीं मिले थे, मैंने भी छोड़ दिया, मुझे टाइम नहीं था, मैंने दो महीने ट्राई किया। और आगे अगर कुछ ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं तो ऑलवेज वेलकम, पैसा तो इम्पोर्टेंट है, जिससे मैं कितना डालू जो काम खत्म हो गया। तो अगर कोई किसी के पास ब्रांड है वो लेके आओ, फिर घूमेंगे फिरेंगे, वेस्ट करेंगे और क्या। आपका सामान का भी चोरी नहीं हुआ क्या? सामान एक बार चोरी हुआ था, एक बार ट्राई हुआ था, और जेंटलमैन चोर था, उसने उसके काम का नहीं था, सब गाड़ी पे छोड़ के चला गया। और बुल्गारिया में, बुल्गारिया चोर कंट्री है, मैं ओपनली कर सकता हूँ, चोर कंट्री है ही वो। मेरा चटनी भी चोरी हो गया है, मतलब क्या तुलकी से स्पेरपा टेपी के उनका भी पैसा आ जाएगा। मेरा चटनी चोरी हो गया, मेरा पीनट बटर चोरी हो गया, तो बुल्गारिया में मेरा चोरी हो गया, 6,000-7,000 रुपये का सामान था वो गया। फिर मैंने चोरी डाल दी, इस्तांबुल को आ रहा है तो आ जाओ सामान लेके आने, तो मुझे इमीडिएट मिल गया, तो स्पेयर पार्ट से एक क्लच क्लच से असेंबली की वो मुझे मिल गई, मैंने रिफिल किया। इतना बड़ी बड़े रहती है, छोटी छोटी चोरियाँ होती रहती है। ओके दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच योगेश एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्लास नाउ कमिंग इन नेक्स्ट, सो स्टे हियर एंड ओके वी हैव वन मोर क्वेश्चन योगेश, वन मोर क्वेश्चन। तुम्ही पर्सनल सांगतो कारण आपला मुंबई लंडन विषय सेवन सीटर मी खूप वेळा जाऊन आलो, आपण बोलू सांगेन सेवन सीटर खूप छान विषय करू आपण नंतर। सॉरी फॉर दॅट क्वेश्चन, बिकॉज आपला रिलेट नाही करत आपला मुंबई टू लंडन रोडचा। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ओके योगेश, यू हॅव अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम दिस गर्ल, थँक यू सो मच। थँक्यू, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योगेश। Okay, good evening ladies and gentlemen. Thank you. Welcome to the Big Trip session. We have an intrepid traveler who's ridden down all the way from Croatia. She's come here to IBW 2023, 10X edition on her motorcycle. She's been across from Croatia to Pakistan to Iran and now to India, onward to Thailand. She rides an 800cc adventure motorcycle and she left in May of this year and she's here in her midst. Without much ado, Claudia Vodarts, please come on over. Big round of applause. She's a little nervous, so we are